रिलायंस जियो अपने सस्ते स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। जियो के इस लो कॉस्ट स्मार्टफोन से कंपनी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी दोबारा से नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने की रफ्तार हासिल कर सकती है। बता दें कि वित्त वर्ष 2021 में जियो के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। इसका वजह COVID-19 से ज्यादा डेटा खपत और स्पेक्ट्रम की कमी को माना गया है। इसी दौरान भारतीय एयरटेल के मोबाइल और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि रिलायंस जियो ने हाल ही में संपन्न हुए स्पेक्ट्रम नीलामी में काफी ज्यादा संख्या में फ्रीक्वेंसी बैंड्स की खरीदारी की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जियो के सब्सक्राइबर्स की बढ़ने की रफ्तार में इजाफा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जियो के सस्ते स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से भी जियो के सब्सक्राइबर्स में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। देखा गया है कि जियो के कुल सब्सक्राइबर्स बढ़ने की औसतन गति 2.3 मिलियन प्रति माह है, जबकि मार्च 2020 में कुल सब्सक्राइबर्स बढ़ने की गति 4.7 मिलियन थी। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए सस्ते जियोफोन के लॉन्च के साथ सब्सक्राइबर्स की संख्या में इजाफा हो सकता है। JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक जियो को नए स्मार्टफोन लॉन्च के साथ ही नए टैरिफ प्लान को भी पेश करना होगा। आपको बता दें कि अभी तक जियोफोन में केवल जियो सिम ही सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर जियो के स्मार्टफोन के साथ भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जाती है तो ग्राहकों को जियो के सस्ते स्मार्टफोन के लिए जियो सिम लेना अनिवार्य होगा। ऐसे में जियो का सब्सक्राइबर बेस बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कंपनी की तरफ से जियो के नए स्मार्टफोन के साथ सस्ता रिचार्ज प्लान्स भी पेश किया जा सकता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।